गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज योर सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर टू एंड द टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर। एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर, व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर? द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो। द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो मीन्स if you will take a integer and its additive inverse sum of both is always a zero means अगर हम कोई additive integer लेते हैं और उसका कोई additive inverse जो होता है, किसी भी integer का जो additive inverse होता है उन दोनों का sum जो होता है वो हमेशा क्या होता है, zero। अब additive inverse actual में होता है क्या? What is additive inverse? Additive inverse of any number is the same number with opposite sign. Additive inverse of any number or any integer is the same number with opposite sign. Are you getting my point? Additive inverse of any number, कोई भी number हो, any number, दुनिया का कोई भी number हो, उसका additive inverse आपको निकालना है, तो बस आपको उस numbers को लिखना है with opposite sign. Just like that, additive inverse of 5, additive inverse of plus 5, additive inverse of plus 5 is minus 5, additive inverse of minus 12 is plus 12, additive inverse of 100 is minus 100, additive inverse of minus 1200 is additive, क्या होगा आपका, plus 1200. तो जिस भी number का additive inverse हमें निकालना होता है, वो उसका additive inverse क्या होता है, वही same number होता है with opposite sign. अब हमारा हमने कहा था कि क्या होता है एडिटिव इनवर्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव इनवर्स, इज द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रॉफिट। हमने पहला एडिटिव इनवर्स ले लिया प्लस फाइव, अब प्लस फाइव हमने इंटीजर लिया, अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस फाइव। तो प्लस फाइव और माइनस फाइव को जब हम ऐड करेंगे क्या आना चाहिए, जीरो। तो क्या प्लस फाइव में हमने क्या किया, ऐड किया किसको, माइनस फाइव को। नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता रखा है, क्या होता है, यहाँ पे बाहर प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस आ जाएगा, यहाँ पे अगेन प्लस इंटू माइनस माइनस। तो ये है आपका प्लस फाइव, ये है एक माइनस फाइव है, अपोजिट साइन है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो फाइव माइनस फाइव बिकम जीरो। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल ले, यू कैन लुक हियर, माइनस ट्वेल्व एंड प्लस ट्वेल्व, प्लस इनटू माइनस माइनस ट्वेल्व, ओके, एंड अगेन प्लस इनटू प्लस प्लस ट्वेल्व, ओके, नाउ माइनस ट्वेल्व एंड प्लस ट्वेल्व बिकम जीरो। ओके, सो दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ एनी इंटीजर और एनी नंबर। Now, you can see in your book exercise 2.2. There is some questions of your book. You can note down in your copy. Question number 4D. Question number 4D. Exercise 2.2. Question number 4D. You have to solve it. You have to solve it. माइनस 425 प्लस 325 प्लस 100 प्लस माइनस 100, ये आपका क्वेश्चंस है और आपको इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या अप्लाई करना है, आपको याद रखना होगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर, इंटीजर की जो साइन प्रॉपर्टी थी उसको आपको याद रखना होगा बेटा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एंड यू हैव टू लर्न इट। ओके, नाउ अब यहाँ पे पहले फर्स्टली वी विल ओपन द ब्रैकेट, हमें पहले ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो ब्रैकेट के बारे में क्या है, प्लस है, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे कोई साइन नहीं वहाँ पे क्या हिडन होता है, प्लस हिडन होता है, ठीक है। तो प्लस इनटू माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस इनटू माइनस बिकम माइनस 425। ओके, अगेन हियर इज प्लस, प्लस इनटू प्लस प्लस 325। ओके, और यहाँ पे आपका प्लस 100 है, 100 प्लस 100 हमने लिख दिया, अगेन प्लस इनटू माइनस माइनस 100। ओके, अगेन यू कैन सी हियर, अब यहाँ देखिए प्लस 100 और माइनस 100, एक 100 आपका प्लस में एक माइनस में, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, जीरो, इन दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, तो ये दोनों आपके कट जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। अगेन माइनस 425 प्लस 325, एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है, आपको रूल याद होगा कि इस वक्त पे हम क्या करते हैं, बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं, वी विल सब्ट्रैक्ट स्मॉलर वन फ्रॉम बिगर वन एंड यूज द साइन ऑफ ग्रेटर वन। तो बड़ा कौन है, ग्रेटर कौन है, 425, इसका साइन क्या, माइनस हमने लिख दिया। अब इसमें से इसको आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 425 माइनस 325 इक्वल्स टू 100, और ये 100 एंड 100 आपका कैंसिल आउट हो गया, जीरो हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, सिमिलरली दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 10B,
यू हैव टू सॉल्व इट। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराए हैं आपको, बट अभी आप फिर से अगेन देख सकते हैं ये कि आपको दिस इज वन इज द मॉड, दिस वन इज द मॉड। आपको पता है कि मॉड के अंदर कोई भी नंबर हो, जब हम मॉड हटाते हैं तो उसके बाहर क्या आता है, ओनली पॉजिटिव नंबर। ओके, इट बिकम 9। यहाँ पे माइनस साइन जो है मॉड के बाहर है, मेरे नंबर एट बेटा माइनस साइन के बाहर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस। ठीक, यहाँ यहाँ पे ब्रैकेट्स का रूल अप्लाई नहीं होगा, ब्रैकेट में क्या होता था माइनस इंटू माइनस प्लस, बट यहाँ पे यहाँ से अंदर से बाहर क्या आएगा प्लस 4 आएगा, ऑलवेज 4 आएगा, और यहाँ पे माइनस पहले से तो माइनस आ रहेगा, माइनस एंड 4, 9 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 5, दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.2.3, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.3, क्वेश्चन नंबर 2,